बट अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो दिमाग में डाल लो, स्कूटी टाइप का कोई गाड़ी नहीं चलता है क्या सिटी के अंदर जिसमें मम्मी पापा दखल अंदाजी नहीं करेंगे? और क्या यूके में लाइट और पानी जाता है? लेकिन हर कोई लंदन में नहीं रहता, यहाँ यूके में कंसेप्ट है कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम 50। जब भी हम अपने होम कंट्री में होते हैं तो हमें पता होता है कि होम कंट्री में कौन सी चीजें कहाँ पर मिलती है या फिर क्या क्या फैसिलिटीज हमको यहाँ पे मिलती है, या फिर अगर हम कुछ परेशानी में है, किसी का तबीयत खराब हो जाए या फिर कोई भी टाइप की, तो हमें पता होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आप यूके आने वाले हो तो यूके में क्या सारी चीजें सेम टू सेम आपको मिलने वाली है? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ यूके में बेसिक जो डेली लाइफ की फैसिलिटीज है वो कैसी होती है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो से आपको यूके की सच्चाई के बारे में बताना, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर पहले से ही हो जाओ कि यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड की, खाने की। तो इंडिया में क्या होता है, जब भी हमें खाना बनाने का मन नहीं होता है तो हम या तो खुद चले जाते हैं चौपाटी वगैरह में या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, या तो फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो हाँ, बिल्कुल भी वैसा स्वाद आपको शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल इंडिया वाला जो डिट्टो चौपाटी वाला स्ट्रीट स्टाइल जो फूड्स होते हैं वैसे आपको बहुत रेयर मिलेंगे। कुछ एरिया में मिलते भी है, जैसे अगर आप लंदन साइड में चले जाओ जहाँ पे बेसिकली इंडियंस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी जगह में आपको ऑप्शंस मिल भी जाएंगे। लेकिन हर कोई लंदन में नहीं रहता, हर कोई जैसे बर्मिंगम हो गया, लेस्टर हो गया, जहाँ पे इंडियंस या एशियंस ज़्यादा रहते हैं, तो इस जगह में आपको अच्छे रेस्टोरेंट मिल भी जाएंगे और आप चाहो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। बट हर जगह में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब यूके में बहुत सारे ऐसी सिटीज़ है जिस सिटी में जैसे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे एक भी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं हमको लगा। कुछ मतलब कोई भी इंडियन खाने का स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है। तो सबका टेस्ट प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है, बट उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे सारे ऑप्शंस। तो अगर आप यूके में आ रहे हो तो ये दिमाग में डाल के आना कि इंडिया में जितना लैविश लाइफ आप गुजार रहे हो उस तरीके का आपको फूड वाले चीज़ों में यहाँ पर नहीं मिलने वाली। मिलेगा, लेकिन आपको एक टाइम के बाद वो चीज़ें जो है बेस्वाद लगने लगेगी, या फिर आप खुद ही कंपेयर करने लग जाओगे, यार ये चीज़ तो इंडिया में ज़्यादा अच्छी मिलती थी, हमें या हमारे जिस भी कंट्री से आप हो कंट्री में ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती थी, यहाँ पर तो इसका स्वाद ही नहीं है। तो ये मतलब ये आ ही जाता है थोड़े दिन के बाद, जब आप रहते रहते खाते खाते बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो उतना इजी नहीं है। अगर आप ऑर्डर भी करते हो तो चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, रेस्टोरेंट का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पे अगर आप खा भी रहे हो तो उस लेवल में जाके आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जिस लेवल में हम अपने कंट्री के खाने पीने में करते हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, या फिर हम हमारे जो होम कंट्री में हम रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सभी जगह में मोटा मोटी सेम ही टाइप का रहता है कि आप चाहो तो घर पर आप कुक रख सकते हो, हाउस हेल्प रख सकते हो, बर्तन कपड़ा झाड़ू पोछा इन सारे चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे क्या वो चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती, और मिलती भी है तो घंटे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज करते हैं। और यहाँ पे सच बताऊँ तो लेबर कॉस्ट आप गूगल करके देखना, यहाँ पे लेबर कॉस्ट चाहे वो किसी भी टाइप का लेबर कॉस्ट हो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर आप सोचोगे कि कोई कुक रख लेंगे हम जो कि आने के बाद खाना बना के जाएगा या जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ता है, कुक रखना पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि डेली जो काम रहता है बर्तन धोना झाड़ू पोछा, तो फिर बेटर है कि आप ऐसा घर रेंट पर लो जिसमें डिश वॉशर हो, और झाड़ू पोछा का यहाँ पर तो वही वैक्यूम क्लीनर है वो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हाउस हेल्प जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला इतने इजीली। अगर आप मतलब क्लीनिंग कराना चाहते हो, डीप क्लीनिंग कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे घंटे के हिसाब से ले सकते हो, जिसका कॉस्ट अगेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो डेली रूटीन वाला जो काम रहता है ये सब, उसमें लोग नहीं रखते यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि यहाँ पे खुद का काम खुद आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी आपको उस हिसाब से नहीं मिलने वाली जैसे कि आपको आपके होम कंट्री में मिलती है। घर पे मान लो कोई चीज़ खराब हो गया है, चाहे वो कारपेंटर वाला हो, प्लम्बर वाला हो, इलेक्ट्रीशियन वाला काम हो, तो हम अपने होम कंट्री में भैया एक फ़ोन कर दिए या फिर दुकान पे जाके बोल के आ गए कि हाँ हमारा ये ख़राब हो गया, आप आके बना देना।
आ जाता है, बना के चले जाते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा भी अगर आपको काम रहे, चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो वो चीज़ भी आपको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप आज अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाए, और वो भी बहुत ज़्यादा घंटे के हिसाब से चार्ज करते, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा भी आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी हाई रहता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको पहली बार तो इतनी ईजिली वो मिलेगा ही नहीं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो या तो आपको खुद को करना पड़ेगा, तो या अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको यूट्यूब देख कर सीखना पड़ेगा, और आपको ये काम जो है खुद से करना ही पड़ेगा। तो अगेन अगर आप कंपेयर करोगे इन सारे फैसिलिटीज़ का, तो हाँ हमारे होम कंट्री और यहाँ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा और खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे है ना काफ़ी लोग, ये मुझे एक बार ऐसा कमेंट भी आया था कि क्या यूके में लाइट और पानी जाता है जैसे हमारे कंट्री में जाता है कि लोड शेडिंग हो गया या फिर कभी करंट चला गया। तो यहाँ यूके में हमने कभी ऐसा फेस नहीं किया है कि कभी लाइट चले जाए या कुछ। हाँ, लेकिन अगर कुछ कोई मान लो किसी जगह में अगर कोई काम चल रहा है जहाँ पे आपको लाइट या पानी जाने वाला है, तो आपको बकायदा पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके एरिया में ऐसा वर्क चल रहा था, तो उस टाइम पे उनको पहले से मेल आ गया था कि 2 घंटे के लिए पानी जाने वाला है, तो आप पहले से ही भर के रख लो। तो ऐसा टाइप का भी होता है, बट नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत रेयर होता है। यूके एक ठंड वाला कंट्री है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ठंड होता है। तो ऐसे में कई लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ आने के बाद कैसे सारे काम अपने आप से करेंगे। तो यहाँ पे ठंड वाला कंट्री होता है, तो ठंड के हिसाब से यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि घर के सारे नल जितने भी है, चाहे वो किचन का हो, बाथरूम का हो, वॉश मशीन का हो, कहीं का भी हो, सारे जगह में गर्म पानी का ऑप्शन रहता है। तो अगर आप बर्तन भी धो रहे हो, मतलब यहाँ पे 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कोई भी काम अगर आप खुद से कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी मतलब ऑलवेज रहता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। बर्तन धोना हो, कपड़ा तो आप वैसे ही वॉशिंग मशीन में धोने वाले हो, तो यहाँ पे इवन वॉशिंग मशीन में भी गर्म पानी से ही कपड़े धुलते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो सके। तो यहाँ पे जैसा देश है उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स भी गवर्नमेंट ने करके रखे हैं। तो इस चीज़ में आपको ये फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको आने के बाद खुद का काम करने में कोई मतलब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा कि ठंड में आपको काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग सोचते हैं यूके में बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ है, या फिर लैविश लाइफ कब होती है अगर ये सवाल है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लैविश लाइफ कभी भी नहीं होती है। मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ पे उस टाइप का लैविश लाइफ कि आप कुक रख ले रहे हो, हाउस हेल्प रख लिया है कि जो आके सारा काम आपका करके जा रहा है, या फिर आपको बहुत ही इजीली सारे चीज़ों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लैविश लाइफ कभी भी नहीं होती है। सबको अपना ये जो बेसिक वाला काम है, डेली वाला जो काम है, सबको खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। इस कंट्री में आने के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको मतलब जो है मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को नहीं, अपने दिमाग को मनाया, तो उस चीज़ में आप यहाँ पे आके स्ट्रगल करने वाले हो। तो यहाँ पे ओल्ड, जो हमने फील किया, यहाँ पे जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एजेड वाले, मतलब दादाजी और दादी जी वाला जो एज है, तो यहाँ पे ना इस एज में हमने देखा है कि इस एज के लोग जो है ना यहाँ पे खुद से ग्रॉसरी लेने जाते हैं, खुद से अपना सारा काम करते हैं, और मतलब लिटरली झुक झुक गए हैं एकदम। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल होते हैं ना, 90+ एज वाले, तो वैसे लोगों को भी हमने देखा है जो अपना खुद का ग्रॉसरी खुद लेने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी हैं, तो कुछ चीज़ें बुरी भी है, क्योंकि हमारे कंट्री में हमने कभी ऐसा देखा, मतलब जो नॉर्मल घर के लोग होते हैं हमारे जैसे, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने एज के लोग खुद का ग्रॉसरी खुद खरीदने जा रहे हैं बस। बट इस कंट्री में ये चीज़ है कि 18 साल का अगर हो जाए बच्चा, तो वो अपना अलग लाइफ सेट कर लेता है, अलग घर में रहने चले जाता है, उसका अपना अलग पर्सनल लाइफ होगा जिसमें मम्मी पापा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और बच्चा भी आपके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा के लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इस कंसेप्ट को ही लोग फॉलो करते हैं, और इसी कल्चर में ही लोग बड़े होते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब बुढ़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाता है, तो तब भी वो आइसोलेट होकर ही रह जाते हैं। वो मतलब उनको कोई देखने के लिए भी नहीं होता है। कुछ जगह में मतलब फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं,
तो दोनों चीजें, दोनों तरीके की चीजें जो है ना आपको इस कंट्री में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पे लैविश लाइफ कब होता है। तो इस कंट्री में अगर आप आ रहे हो तो इन सारी चीजों के बारे में आप दिमाग में डाल के आना कि यहाँ पे आके आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। अगर आप इन सारी चीजों से कोप अप कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, तो आप यहाँ पे खुशी खुशी सरवाइव कर लोगे। और अगर आप इन सारे चीजों को बहुत बड़ा समझते हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हो, तो यहाँ पे आप आने के बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबके सिचुएशन है ना सेम नहीं होते। जिनके ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली है या फिर जिनके यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड्स बहुत अच्छे, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, तो उनको यहाँ पे आके ना एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। बट सबके केस सेम नहीं होते। बोलते हैं ना, जिन मतलब आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहो, अगर आपका मन अच्छा है, मतलब अगर आपका मन शांत है, आप हैप्पी हो, तो आप हर जगह में चाहे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आप आराम से आके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ यूके में कंसेप्ट है कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम 50। हमारे कंट्री में हम सोचते हैं कि 50 साल उम्र हो गया, मतलब बुढ़ापा ऑलमोस्ट आ ही गया है, अब और क्या करेंगे। बट यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा लोग जिंदा दिली टाइप के होते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लोगों का सोचना है कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम 50। 50 साल की उम्र में लोग यहाँ पे खुशी खुशी जीते हैं अपना, मतलब डिस्क में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो लोग जो है यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक जो इन सारी चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं कि हाँ ऐसा टाइप का कल्चर है, इन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ट्रेन जा रहा है यहाँ पे, स्टीम इंजन वाला ट्रेन है ये, बहुत बहुत सुंदर लगता है ये। तो हर कंट्री में कुछ नेगेटिव चीज़ भी रहती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी रहती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम पॉजिटिव चीज़ों को लें और नेगेटिव चीज़ों को हम छोड़ दें। और यहाँ पे लोग जो है अपने आप को फिट रखने के लिए अपना खुद का काम सारा खुद करते हैं। यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, यहाँ पे कम से कम गाड़ी और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कई लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या यहाँ पे जो जैसे ऑटो रिक्शा या फिर ऐसे स्कूटी टाइप का कोई गाड़ी नहीं चलता है क्या सिटी के अंदर? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा स्कूटी टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम स्कूटी उठाए और मार्केट चले गए या फिर हम कोई रिक्शा कर लिए और मार्केट चले गए। यहाँ पे इन सारे डेली बेसिस वाले जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब जैसे सब्जी भाजी खरीदने जाना या फिर डेली वाला कोई भी काम करने जाना, तो यहाँ पे लोग नॉर्मली पैदल चलना ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं। और यहाँ पे इसलिए भी एक रीज़न है कि यहाँ पे लोग बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। बट अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो दिमाग में डाल लो कि आपको यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइफ की, वो यहाँ पे आपको किस किस टाइप की मिलने वाली है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की कि यहाँ पे लाइफ कैसा होता है, बेसिक जो फैसिलिटी होता है या फिर एक लैविश लाइफ यहाँ पे आने के बाद होता है या नहीं, वही मैंने आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश की। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।